शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुनो तो समझते हैं ये ना उस अभय ने जानबूझ के किया, उसने हमारा गिफ्ट जानबूझ के तोड़ा, उसे हमारी खुशियां बर्दाश्त ही नहीं होती। अरे यार गोली मारो सभी को, तुम ना अपना मूड ठीक करो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेके आया हूँ। गाड़ी में पड़ा है, बस अभी लेके आता हूँ। अब देखना अबे, तुम ना हमसे गलत उलझ गए हो। फालतू में उलझ रही है मुझसे? अरे है कौन वो? महारानी है कहीं की? जो मन में आया बस इल्जाम लगा दिया मुझ पे। देखिए अबे, देखेगी तो वो। छोड़ने नहीं वाला मैं उसे। कल इतना गंदा इल्जाम लगा दिया मुझ पे, आज वरुण को भड़का दिया मेरे खिलाफ, कल कुछ और करेगी। उसकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी मुझे। अब देखो मैं क्या करता हूँ। उसकी एक एक हरकत का जवाब नहीं दिया ना तो मेरा नाम भी अभय नहीं। तो क्या करेंगे आप? कीर्ति, क्या किया तुमने? करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, बस कुछ ही घंटों की तो बात थी, उतनी देर भी नहीं रुक पाई आप। इतना भी खुद पे काबू नहीं है? मम्मी, हमें पता है आप यहाँ क्यों आई हैं। हमें डांटने ना, क्योंकि हमने करवा चौथ का व्रत पूरा नहीं किया। नहीं, गुस्सा तो बहुत आया था हमें, आपको डांटना भी चाहते थे, पर इतना समझ गए हैं कि आप दिल की बुरी नहीं है, बस अनुभव और समझदारी की कमी है। कीर्ति, आज आपकी सास नहीं, आपकी माँ आपसे बात करने आई है। बैठिए। कीर्ति बेटा, हम जानते हैं कि वक्त से पहले ही आपकी शादी हो गई और इसीलिए एक पत्नी और एक बहू से जो उम्मीदें होती हैं उसकी समझ आप में नहीं है, लेकिन जो होना था वो तो हो गया ना। अब यही आपकी जिंदगी है, आप इस घर की बहू हैं, वरुण की पत्नी हैं, और घर की खुशी घर की पत्नी, बहू और माँ से जुड़ी होती है। मम्मी जी, ये सब हम समझते हैं, पर आप नहीं बेटा, आप पहले हमें बोलने दीजिए। एक पति की अपनी पत्नी से कुछ उम्मीदें होती हैं, वरुण की भी आपसे हैं, वैसे ही जैसे आपकी भी कुछ उम्मीदें होंगी वरुण से। लेकिन जब एक लड़की शादी करके घर आती है तो उसका रिश्ता सिर्फ पति के साथ नहीं, पूरे परिवार के साथ जुड़ता है, और जो परिवार जोड़ती है वो ही परिवार बिखेर भी सकती है। आपको इस परिवार को जोड़ के रखना है बेटा। बात सिर्फ व्रत की नहीं थी, बात उस व्रत के साथ जुड़ी वरुण की और आपकी भावनाओं की थी। वरुण के दिल में जो आपके लिए प्यार है उसकी थी। वरुण तो शादी के दिन से ही आपके रंग में रंग गए हैं, आपकी खुशी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, शॉपिंग करवाते हैं ताकि वो आपके चेहरे पर खुशी देख सके। अब तो वो अपनी खुशी से पहले आपकी खुशी रखना चाहते हैं बेटा। वो तो अपने दिल से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको भी तो दिल से कोशिश करनी होगी ना कि आप इस घर को, वरुण को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं
और कोशिश से हमारा मतलब सिर्फ घर का काम नहीं है। जब एक औरत अपना घर संभालती है ना, तो उस घर से उसकी भावनाएं जुड़ती हैं, परिवार की भावनाएं जुड़ती हैं। आपको पता है, जब वरुण के पापा दफ्तर से घर आते थे ना, तो हम रोज शाम को उनके लिए चाय बनाते थे। अब चाय तो कोई भी बना सकता है, लेकिन जब दिन भर की थकान के बाद पति अपनी पत्नी के साथ बैठकर चाय पीते हैं ना, तो उनकी आधी थकान, चिंता दूर हो जाती है। तो बेटा, बात ना भावनाओं की है। इस परिवार को, वरुण को आपकी जरूरत है। इस परिवार की खुशियां भी आप ही से जुड़ी हैं, और इसीलिए बेटा, एक माँ आपसे विनती कर रही है, अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाइए, और अब हम इस रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। बेटा, दिवाली में लक्ष्मी जी घर पे आती हैं, लेकिन हमारे घर की लक्ष्मी तो आप है ना, तो अब से हमारे घर की जिम्मेदारी आपकी। जवाब दीजिए, क्या करेंगे आप? आप उसे मारेंगे, उसे नुकसान पहुंचाएंगे, उसे बदनाम करेंगे? जवाब है आपके पास? नहीं, आपको खुद ही नहीं पता कि आप क्या करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं ही नहीं जो किसी और को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोशिश, आप कोशिश तो कर सकते हैं ना। मतलब अभी आपके पास जॉब नहीं है, लेकिन इस जॉब के लिए आपको कोशिश करने से तो कोई नहीं रोक सकता है ना। और एक बार आपको जॉब मिल गई तो सबका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा, कोई आप पे उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन ये कोशिश तो आपको ही करनी होगी ना। करेंगे ना आप? कोशिश करेंगी ना? इस परिवार और वरुण की उम्मीदों पे खरी उतरेंगी ना? बोलिए ना कीर्ति। जी मम्मी जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। हमें पूरा भरोसा था कि हमारी कीर्ति का यही जवाब होगा। हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगी। तो कल से इस परिवार के साथ आपके रिश्ते की नई शुरुआत है। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।